अब बात करते हैं अपन एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है जी। तो देखिए, एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब किसी चीज को एक्वायर करना, किसी चीज को बाहर से लेना, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी कैसी होती है, देखो इननेट इम्यूनिटी तो अपन को क्या मिल रही थी, नेचुरली मिल रही थी। नेचुरली का मतलब है कि वो अपन को इनबोर्न मिल रही थी, नेचुरल ये भी मिलती है, लेकिन क्या होती है वो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो अपन को अपने जन्म से पहले ही अपने को, मतलब अपने जन्म से ही क्या होती है अपन को प्राप्त होती है, अपन को किसी से बाहर से लेना नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे बात है कि जो एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो है क्या। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ऐसी इम्यूनिटी जो अपन पूरे अपने लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, यानी बाहर से अपन किसी के द्वारा अपन उसको लेते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो कभी भी अपने को अपने जन्म से नहीं मिलती, ठीक है जी। तो ये क्या है, इट इज द टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एक्वायर्ड इन आवर लाइफ साइकिल, यानी कि ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को क्या किया जाता है, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या करते हैं बेसिकली अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर एक्वायर करते हैं। इसकी जो अपन स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन देखें तो क्या होती है आपकी, द रेसिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैंथोजन इज नोन एज एक्वायर इम्यूनिटी। इसे अपन क्या बोलते हैं, एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज रेसिस्टेंस दैट इट इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन। यानी किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन के लिए अपनी बॉडी में क्या होता है, पूरी लाइफ साइकिल के अंदर बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, उसे जनरली उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, वापस अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि ऐसी इम्यूनिटी जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है अपनी लाइफ साइकिल में, उसे अपन क्या बोलते हैं एक्वायर या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक पैथोजन के लिए क्या होती है, इसको अपनी बॉडी में जो ये इम्यूनिटी बनती है वो एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए बनती है। ऐसा नहीं जितने भी पैथोजन होंगे उनके लिए एक ही टाइप की क्या बनेगी जो इम्यूनिटी हो मिलेगी अपन को, ऐसा नहीं। ये एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर क्या होती है अपनी इम्यूनिटी वहां पे फॉर्म होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं स्पेसिफिक पैथोजन बोलते हैं, सॉरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इसे अपन एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। याद रखना इननेट इम्यूनिटी में कभी भी आपके एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, इननेट इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज नहीं बनती है, लेकिन यहां क्या होता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। लाइक स्किन है, स्किन क्या कर रही है, जनरली आपके जो केमिकल्स होते हैं ठीक है ना, वो बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो आपके क्या होते हैं डायरेक्टली आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसको क्या नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है वो उन्हें रोकने का काम करती है। आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अपने अंदर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अपने सीलिया जो है वो उन्हें रोकने का काम करते हैं। तो क्या यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एंटीबॉडीज बन रही है, अब एंटीबॉडीज क्या होती है वो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी एंटीबॉडीज का अभी मतलब समझ लो कि एक क्या होता है, एक टाइप ऑफ जो अपने जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसका ही एक टाइप ये प्रेजेंट आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। यानी इम्यूनिटी जो आपको मिलती है वो एंटीबॉडीज जैसे जो प्रोडक्ट जो आपके सब्सटेंस है उनसे ही क्या होती है, ये आपको वहां पे मिलती है, ठीक है जी। आपकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है अभी इसका डीपली स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, जब एंटीजन और एंटीबॉडी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। कौन कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट इज द एक्टिव इम्यूनिटी, देखो एक्टिव इम्यूनिटी इट इंड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय एंटीजन रिएक्शन, एंटीजेनिक रिएक्शन। ऐसे में बोलते रेसिस्टेंट विच इज डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलस। देखो डेफिनेशन पे एक बार बाद में गौर करना, पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना। क्या है एक्टिव इम्यूनिटी, क्या है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए जब भी कोई अपने बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा, अब देखो एंटीजन के रूप में कुछ भी हो सकता है, एंटीजन आपका कुछ भी हो सकता है, वो एंटीजन आपका क्या हो सकता है, वो एंटीजन आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वो एंटीजन आपका वायरस हो सकता है, वो एंटीजन आपके पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, वो एंटीजन आपका डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ भी
जो भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से अपने बॉडी में जा रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन एंटीजन बोलते हैं। तो जैसे ही अपने बॉडी में किसी एंटीजन ने क्या किया, एंटर किया, लाइक आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपने बॉडी में एंटर किया, अपनी बॉडी क्या करेगी, अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी। अब कैसे रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा जो मैकेनिज्म होता है कि जब कोई एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करे और उसके अगेंस्ट क्या हो, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट, किसी एंटीजेनिक रिएक्शंस के अगेंस्ट क्या होता है, जनरेट होता है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। यही इसमें बताया गया है कि दिस इज दैट टाइप ऑफ रेसिस्टेंस विच इज डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, बेसिकली कोई भी ह्यूमन बींग्स है या कोई भी बेसिक एक क्या है आपका एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलस, जैसे ही उसमें कोई एंटीजन एंटर करेगा, उस एंटीजन के एंटर करने के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो उस एंटीजन को अंदर आने से रोकते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये जो इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, लॉन्ग पीरियड तक चलती है। यानी अगर एक बार इसमें क्या हो गए, एक बार इसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होके अगर एक बार इसमें क्या बन गई, एंटीबॉडीज। देखो भाई यहां पे मैं पहले बोल रहा हूं क्या होती है एंटीबॉडीज, तो अगर इनमें एंटीबॉडीज क्या हो गई, जनरेट हो गई, तो ये क्या होती है, काफी लंबे समय तक आपके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब अगर दोबारा वो अगर डिजीज आपको होगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगी, काफी बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, आपको वो रोग जो होगा डिजीज वो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका अगर बात करें कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है कितने टाइप की होती है, याद रखना बेटा ये दो टाइप की होती है, होती नेचुरल और एक होती आर्टिफिशियल। नेचुरल का क्या मतलब है, देखो भाई आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे ही होंगे जिनको क्या हुआ होगा, कभी ना कभी कई लाइफ में स्मॉल पॉक्स रहा होगा। जब आप बच्चे थे तब आपको स्मॉल पॉक्स जो है उसकी बीमारी हुई होगी। स्मॉल पॉक्स क्या है आपका, छोटी माता बड़ी माता वो बोलते हैं ना जनरली बेसिकली, तो ये स्मॉल पॉक्स होता है। देखो भाई स्मॉल पॉक्स जो था वो बेसिकली पहले के टाइम पे था, अब तो क्या हो चुका है, फुल्ली इरेडिकेट हो चुका है अपने इंडिया से। होता क्या था इसमें, स्मॉल पॉक्स जैसे एक बार हो गया आपको, तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही इसका एंटीजन आया स्मॉल पॉक्स का, तो आपकी बॉडी क्या करती है, इस एंटीजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। आपकी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है, और रेस्पॉन्स के रूप में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। जैसे ही वो एंटीबॉडी बनाएगी इस एंटीजन के अगेंस्ट, इस रेस्पॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स देने के बाद, यानी कि एक बार एंटीजन अंदर एंटर कर गया उसके अगेंस्ट क्या बन रहा है, वो काम कैसा हो रहा है, नेचुरल काम हो रहा है, आपकी बॉडी अपने आप बना रही है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, अपने आप एंटीबॉडीज बना रही है। तो जब ये एंटीबॉडीज बनाती है तो काफी मात्रा में एंटीबॉडीज बना देती है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। जब ये वापस क्या होता है आपका, जैसे उसके बाद आप लोग ठीक हो जाओगे, जैसे मान लो पहली बार आपका स्मॉल पॉक्स हुआ, आप क्या हो गए, थोड़े दिनों तक आप बीमार रहते हो, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाते हो। जैसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये एंटीजन दोबारा आपके बॉडी पे अटैक करता है, तो यही जो जो आपकी क्या थी, जो रेस्पॉन्स आपकी जो एंटीबॉडीज बनी थी वो उससे भी 10 गुना मात्रा में या दुगुनी तिगुनी चौगुनी मात्रा में क्या होती है, काफी ज्यादा आपकी उसमें बनने लग जाती है। इनका अमाउंट जो होगा वो पहले वाले जो एंटीबॉडीज उनसे कई गुना ज्यादा क्या होता है, इनका अमाउंट होता है। जब ये रेस्पॉन्स आएगा, यानी कि दोबारा आपका एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसके कारण जो इम्यून रेस्पॉन्स मिलेगा वो आपका मिलेगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स। क्या मिलेगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और उस वक्त क्या होता है, ये जो एंटीजन होता है काफी बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज क्या हो रही, रिलीज हो रही, तो वो इस एंटीजन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो इस तरीके से आपको स्मॉल पॉक्स क्या होता है, एक बार होने के बाद फिर लाइफ में आपको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या काम कर रहा है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वहां काम कर रही होती है। क्यों भाई, क्योंकि जब आपका जो स्मॉल पॉक्स है उसका जैसे ही आपके पैथोजन जो होगा उसका आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जनरेट होगा। प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या होगा, एक बार आप लोग बीमार पड़ोगे उसके बाद क्या होगा, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आप लोग आराम से रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही अगर वो दोबारा क्या करता है, जैसे मान लो कोई एक साल बाद, दो साल बाद, मतलब 5 साल बाद, मान लो 5 साल बाद अगर वापस वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, आपके बॉडी में सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट होंगे उसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के
जनरली पैथोजन के अगेंस्ट क्या होंगे, सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट होंगे, और ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स के कंपेरिजन में काफी ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, जनरली काफी ज्यादा मात्रा में क्या होंगे आपके, बेसिकली जनरेट होंगे। तो उसके कारण क्या होगा, आपका एंटीजन जो है उसकी ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, एंटीजन या जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ चुके हो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में देखिए भाई, आर्टिफिशियल में आपका बेसिकली जो वैक्सीन है वो यूज में आते हैं। अब वैक्सीन जो यूज में आ रहे हैं वो किस तरीके से आर्टिफिशियल में काम करेंगे, तो आर्टिफिशियल में क्या होता है बेसिकली, जैसे ही कोई स्पेसिफिक एंटीजन क्या होगा आपकी बॉडी में एंटर करेगा, कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं उस जो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो वैक्सीन है जो अपनी बॉडी में लगाई जाती है, जो अपनी बॉडी में अपनी वैक्सीन लगाई जाती है, वो बेसिकली क्या होते हैं, जो भी बैक्टीरिया जो आपके डेड हो चुके हैं या लिविंग बैक्टीरिया है उसके स्ट्रेंथ को लेकर क्या करते हैं अपन उसके अंदर एंटर करवाते हैं। तो ये एक तरीके से एंटीजन का काम करते हैं, और जिसके कारण क्या होगा अपनी बॉडी जो होती है वो रेस्पॉन्स करती है और अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे कि वैक्सीन आपकी बॉडी में लगेगा, वैक्सीन आपकी बॉडी में लगा और लगने के कारण क्या होगा उसमें क्या होगी बेसिकली जो वो एंटीजन के रूप में क्या होता है अपनी बॉडी में एंटर करवाया जाता है, उसकी थोड़ी जो छोटी छोटी जो उसके मतलब जो काफी कम कम अमाउंट क्या करते हैं अपन एंटीजन के रूप में अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपकी काफी बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनती है, जो क्या करेगी जो उससे रिलेटेड जो आपकी बैक्टीरियाज हैं अगर वो आपके क्या करते हैं आप इस बॉडी पे अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो नेचुरल तो क्या होता है नेचुरली वर्क करेगा, आर्टिफिशियल में अपन क्या करते हैं एंटीजन को आर्टिफिशियली अपन क्या करते हैं अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में। तो जब एंटीजन को आर्टिफिशियली यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा क्या करते हैं अपन बॉडी में एंटर करवाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होते हैं या जो इम्यूनिटी अपन को मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। याद रखना ये जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी काफी लंबे समय तक रहती है, और इसके साथ ही किस पे काम करती है, ये आपकी मेमोरी सेल पे काम करती है। किस पे काम करती है, मेमोरी सेल पे काम करती है। बेटा मेमोरी सेल पे काम करने का मतलब क्या है, क्योंकि इनमें मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है, और इसके कारण क्या होता है कि ये उस एंटीजन को याद रखती है कि भाई जैसे ही जैसे मान लो आपको एक बार क्या हो गया स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जो है आपको वो हो गया, ठीक है जी, उसके कारण क्या होगा भाई उसके कारण जैसे उस वक्त तो आप सही हो जाओगे, उस वक्त रिकवर हो जाओगे, लेकिन जैसे ही ये जनरली ये जो डिजीज है वो वापस आपको आपके ऊपर अटैक करती है तो उस वक्त क्या होता है उस वक्त आपकी जो एक्टिव जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसके अंदर क्या होगा इस एंटीजन को पहचान लिया जाएगा मेमोरी सेल के द्वारा। किसके द्वारा, मेमोरी सेल के द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट क्या करेंगे अपन एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी अपनी बॉडी, और जिसके कारण क्या होंगे अपन उस डिजीज से वापस बच जाएंगे। ऐसा ही काम क्या होता है अपन जो वैक्सीन जो एंटर करवाया लाइक पोलियो है, ठीक है ना, पोलियो की वैक्सीन है, पोलियो की दो वैक्सीन बनाएगी बेसिकली, दो जो डोज है वो एक तरीके से बनाएगी, एक तो आईपीवी, दो वैक्सीन थी, एक तो आईपीवी और एक ओपीवी, ठीक है जी। एक तो देखो इसे तो बनाया गया था किसके द्वारा, साल के द्वारा, और इसे बनाया गया था आपका साबिन के द्वारा, ठीक है ना। याद रखना आईपीवी, आईपीवी का मतलब क्या है, जो बेसिकली क्या करवाई गई थी, जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसे इंजेक्शन के द्वारा क्या किया गया था आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाया गया था, वो तो कौन सी, जो आप लोग टीका लगवाते हो ना पोलियो का, पोलियो की दो वैक्सीन लगाई जाती है आपकी बेसिकली, एक तो क्या होती है टीके के रूप में ली जाती है, और एक दूसरी जो होती है वो आपकी ड्रॉपलेट के रूप में ली जाती है, ड्रॉप उसकी जो आप लोग पीते हो ना दो बूंद जिंदगी की, वो क्या होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन है, उसे किसने बनाया था, साबिन ने बनाया था। पोलियो जो वैक्सीन है उसका फॉर्मेशन किसने किया था, साबिन ने किया, डॉक्टर साबिन थे उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया था। जो आपका आईपीवी था वो किसने बनाया था, सॉक ने बनाया था, सॉक ने बनाया था, ठीक है जी। तो ये जो वैक्सीन होती है जैसे कि आईपीवी है, आपने क्या किया जैसे बचपन में अपन जब छोटे होते हैं, ठीक है जी, बच्चे का जन्म होता है उसके बाद क्या होता है कम से कम 1.5 साल तक बच्चे को अलग अलग तरीके के टीके वहां पे लगाए जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है पोलियो का टीका भी लगाया जाता है, तो उसमें पोलियो के टीके में जो वैक्सीन है उसका उपयोग किया जाता है। पहले आईपीवी दिया जाएगा, फिर उसके बाद 5 साल तक बच्चे को क्या पिलाया जाता है ओपीवी का वैक्सीन जो है वो दिया जाता है, यानी कि जो ड्रॉपलेट होती है वो दिलाई जाती है। ये दोनों ही क्या होती है अपने लिए जरूरी होती है।
तो आईपीवी के रूप में जो वैक्सीन दिया जाता है वो क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल होता है। वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, मतलब कुछ समय के लिए वो क्या करेगा, बेसिकली जो आपकी पोलियो पोलियो है, जो पोलियो का जो वायरस होता है उसको वो रोक के रखता है। इसके अलावा जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो भी क्या करती है, यही काम करती है। और एंटीजन बाहर से क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, काफी लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं। उसके कारण क्या, आपको अगर एक बार आपने जैसे पोलियो की दवा पी ली तो उसके बाद क्या आपको कभी पोलियो होगा, नहीं होगा। अगर उस वायरस ने अटैक कर भी दिया तो भी क्या क्या होगा, आपको पोलियो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आपके अंदर जनरेट होने लग जाती है। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी, ये जो आपके जो एक्सटर्नल जो एंटीजन है उसको वैक्सीन के फॉर्म में अपन क्या करेंगे, अपनी बॉडी में एंटर करवाएं। आर्टिफिशियली अपन एंटीजन को क्या कराते हैं, एंटर करवाते हैं, और उसके कारण जो एंटीबॉडीज बनती है, इस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब देखो भाई, पैसिव इम्यूनिटी, बेटा सभी लोग क्या होते हैं इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और थोड़ी सी अगर नॉलेज ना हो किसी बंदे को तो वो क्या करता है इसमें सबसे बड़ा घपला कर देता है इन दोनों में, एक्वायर्ड और पैसिव में। क्योंकि वो बंदा कहाँ फंस जाता है आपका, आर्टिफिशियल में फंस जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल में थोड़ा सा आपको सेम सा लगेगा इसका सिस्टम, लेकिन ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ठीक है जी। तो पैसिव इम्यूनिटी में अपन क्या करते हैं, ये क्या होती है आपकी, रेडीमेड होती है। क्या होती है आपकी, ये बेसिकली आपकी एक तरीके से रेडीमेड इम्यूनिटी भी इसे अपन बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके रेडीमेड एंटीबॉडीज है, जैसे मान लो कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक जो एंटीजन है, स्पेसिफिक जो पैंथोजन है, उसके लिए अपनी बॉडी में क्या नहीं बन रहा, अगर एंटीबॉडीज की अपने जैसे मान लो एंटीबॉडीज है वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रही, तो उसके लिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की जो एंटीबॉडीज होती है वो बाहर से अपन क्या कराएंगे, उसके अंदर एंटर करवाएंगे। इसका मतलब जब अपन क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज को, ठीक है जी, यानी कि स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज को अपन क्या कराते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, किसके अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को, तो उससे जो इम्यूनिटी जनरेट होती है अपनी बॉडी में, उसे अपन क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, यानी कि कुछ ही समय के बाद इसको वापस, अगर वो डिजीज आपको वो वापस पैंथोजन आपके शरीर में एंटर कर रहा है तो उसको वापस दोबारा क्या करना पड़ता है, उसकी डोज आपको लेनी पड़ती है। तो देखिए वैक्सीन ऑफ टिटनेस, टिटनेस जैसे कि आपके लोहे के लग जाती है, ठीक है, टिटनेस का क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये इसका क्या है, ये इसका पैथोजन है, ठीक है जी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो एक बार अपन क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। जैसे कि लोहे के लग जाते हैं अपने, तो अपन क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों, ताकि अपन क्या कर सके, इस क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस जो है उसके जो अटैक है उससे अपन बच सके। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार अगर अपने लगा ले तो उसके बाद चाहे लोहे के लग जाए, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस का अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो क्या है, वैक्सीन है ना, वो तो क्या है, वैक्सीन है। तो लेकिन वैक्सीन जो होगी, यानी कि जो पैसिव इम्यूनिटी है, वो क्या होती है, कुछ ही समय के लिए क्या होती है आपके शरीर में प्रेजेंट होगी, और फिर क्या होती है, वो जनरली आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, यानी कि आपके जो बैक्टीरिया उसको खत्म कर देगी, और फिर वो आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से क्या होती है, एक्सक्रीशन के तौर पर वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसके अलावा जैसे कि डिप्थीरिया आपका, तो डिप्थीरिया जो होता है आपका, उस डिजीज में भी जो डिप्थीरिया जो पैंथोजन है वो भी क्या करता है आपका, बेसिकली जैसे ही आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, अपन क्या करते हैं उसके अगेंस्ट अपन टीका लगवाते हैं। टीका भी क्या करेंगे अपन, बेसिकली ये भी टीका क्या होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि जैसे ही आपको डिप्थीरिया हुआ तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे अपन, टीका लगवाएं। टीका लगवाने के बाद एक बार आप क्या जाओगे, रिकवर हो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर आपको वापस डिप्थीरिया हुआ तो उसके बाद वापस आपको क्या करना है, पड़ता है टीका आपको लगवाना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा काम एक्टिव में हो रहा था, क्या ऐसा काम एक्टिव में हो रहा था क्या, नहीं। एक्टिव में क्या हो रहा था कि एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर कर रहे थे, एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर कर रहे थे, और एंटर करने के कारण क्या होता है, अपनी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बना रही थी, मेमोरी सेल के बेस पे एंटीबॉडीज बना रही थी। जैसे ही दूसरी बार उनका संक्रमण हुआ, दूसरी बार उनका इन्फेक्शन हुआ, तो उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण
आपका जो एक्टिव इम्यून सिस्टम था वो काफी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है और काफी हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज जनरेट कर जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। और इस सेकेंडरी रेस्पॉन्स के कारण क्या होता है, बेसिकली आपका जो पैथोजन था वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, यानी कि लंबे समय तक ये आपकी काम करती है ये, लेकिन छोटे ही पीरियड के लिए, छोटे ही समय के लिए काम करती है। जैसे कि आपको कुत्ता काट लेता है, कोई पागल कुत्ता को काट लिया आपको, तो उसके कारण कौन सा डिजीज होती है, पागल कुत्ते काटने के कारण रेबीज डिजीज होती है, रेबीज रोग होता है। तो रेबीज जो रोग है आपका, रेबीज जो रोग है वो किसके कारण होता है, बेसिकली रेबडो वायरस, दो वायरस आपके इसके, रेबडो और एक नाम है लीसा, रेबडो वायरस और लीसा वायरस। रेबडो वायरस जो कुत्ते में प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेबडो वायरस बोलते हैं। तो ये रेबडो वायरस क्या होता है, अपने बॉडी पे अटैक करने लग जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, इसके अटैक से अपने हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो रेबीज को अपन बेसिकली, रेबीज से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया भी होने लग जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या है, जल से डरना, पानी से डरना। तो रेबडो वायरस के इंफेक्शन को खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, रेबीज के इंजेक्शन खाते हैं। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, फिर 14 इंजेक्शन जो थे वो आपके जनरली नाभि में लगते थे, ठीक है ना, ओके। अब लेकिन जो है पेट में लगते थे, नाभि सेंटर है आपका उसमें लगते थे। इसके अलावा जो आपके अब जो इस टाइम है वो बेसिकली 3 लगते हैं, लेकिन आजकल एक से ही काम चल जाता है, ठीक है जी। तो आजकल मतलब बेसिकली इनके जो आपके टीके हैं वो बेसिकली एक ही लगता है इसका टीका। अब देखिए जो रेबीज आपका, जैसे कुत्ते ने काट लिया, रेबीज आपके जैसे मान लो रेबडो वायरस है वो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा, आपने क्या कर लिया, टीका लगवा लिया, उससे आप ठीक हो गए। लेकिन कैसा हुआ गया कि आने वाले टाइम में अगर वही कुत्ता आपको दोबारा काट ले, ठीक है ना, या कोई भी पागल कुत्ता आपको दोबारा काट ले, आपकी बॉडी में रेबडो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में आ चुका है, तो एक बात बताओ क्या आप यहाँ पे ऐसे करके खुश हो जाओगे, यार क्या दिक्कत है, वैक्सीन लगा रखा था ना, पहले भी तो लगवाया था इंजेक्शन, अभी क्या दिक्कत है तो टीका ही, टीका तो लंबे समय तक टिकता है। अरे बेटा वो कौन सा है, वो आपका पैसिव है ना कि वो एक्टिव है, वो क्या था, पैसिव था। जैसे कि आपका कोविड का जो टीका है बेटा, वो क्या है, वो सिर्फ आपका पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा आपको, कुछ समय तक आपको ठीक ठाक लगेगा, उसके बाद क्या होगा, उसको उसकी डोज आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो ऐसा ही काम क्या होता है, तो पैसिव इम्यूनिटी तो क्या होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, याद रखना। इसमें तो आपने क्या करवा रहे हो, इसमें तो आप लोग एंटीजन को एंटर करवा रहे हो, ठीक है जी, एंटीजन के अगेंस्ट क्या हो रही है, एंटीबॉडी बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को क्या करवाते हो, अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हुए, यानी कि जो पहले से क्या है, प्रिपेयर की हुई एंटीबॉडीज है उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। ये तो रहती है छोटे समय के लिए, थोड़े ही समय के लिए रहती है, काफी लंबे समय तक आपके बॉडी में उपस्थित रहती है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये किस पे काम करती है, मेमोरी सेल पे काम करती है, ठीक है जी। ये क्या करती है, मेमोरी बेस्ड होती है, इसमें मेमोरी बेस्ड सेल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, अपनी मेमोरी से याद रखती है कि भाई पहले इसने एक साल पहले अपने पे अटैक किया था, अब दोबारा अटैक कर रहा है, इसलिए मेरे को क्या करना है, एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट मेरे को रिलीज करना है। तो बेटा ये है आपका एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ओके स्टूडेंट। तो अपन आगे बात करते हैं, एक्टिव जो इम्यूनिटी है उसके अंदर एक पॉइंट है आपका, जिसे सिर्फ नाम दिखा के छोड़ दिया गया आपकी बुक के अंदर, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं उसके बारे में कि वो क्या चीज है। देखिए एक वर्ड है जिसे बताया गया है यहां पर अभी बुक के अंदर, CMI, इसका पूरा नाम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो देखिए इसमें क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है जी, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया, तो आपकी बॉडी में क्या होती है, बी सेल और टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स है, जैसे ही बैक्टीरिया आपकी क्या करेंगे, बॉडी में एंटर करेंगे, तो ये टी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और टी लिम्फोसाइट जैसे ही स्टिमुलेट हुआ तो उसके कारण क्या होती है, आपकी जो फेगोसाइट्स है वो आपकी बॉडी में जनरेट होने लग जाती है, जो फेगोसाइट्स है वो आपकी एक्टिव हो जाएंगी। और ये फेगोसाइट क्या करती हैं, इन बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। तो इसी टाइप की जो इम्यूनिटी है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि जब
आपको इम्यूनिटी किससे प्रोवाइड हो रही है, सेल से प्रोवाइड हो रही है, कोई पर्टिकुलर सेल जो है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड। देखो मीडिएटेड का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता, यानी कि जो बीच में हो। तो कौन बीच में है, सेल बीच में है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सिर्फ समझाने का टॉपिक था, क्या था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या है कि जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा, टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने के कारण यहाँ पे क्या होती है, फेगोसाइट जो कि सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होकर क्या करती है, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। इसमें मेन वर्क किसका रहा, इसमें मेन वर्क रहा सेल का। फेगोसाइट क्या होती है, सेल ही तो है, क्या है आपकी, सेल है। तो ये क्या करती है, जो फेगोसाइट है वो क्या कर जाएगी, बैक्टीरिया किल कर देगी। तो बेसिकली जो वर्क होगा, जो एक्टिवली जो वर्क कर रही है यहाँ पे, कौन कर रही है, सेल कर रही है। इसलिए से अपन क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये भी क्या होती है, आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसी का ये एक पार्ट होती है, ठीक है जी। इसके अलावा ये भी है, और एक आपकी AMI भी है, क्या है आपकी AMI, जिसे अपन बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है आपका वो बेसिकली क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अब अपन बात करेंगे, ठीक है जी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है आपकी, CMI जो है उसमें आपकी टी सेल और मैक्रोफेज जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, बस और कुछ नहीं, याद दिमाग रखना। अब बात करते हैं अपन एंटीजन और एंटीबॉडी की। व्हाट इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दोनों को कंपेरिजन के हिसाब से समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर जो है वो अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। एंटीजन एंड एंटी बॉडी, ठीक है।